हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर हो रहे विधानसभा के चुनाव में 2019 की तरह कुछ खिलाड़ी भी चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें बीजेपी की पहली लिस्ट में महम से कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा और शूटिंग प्लेयर आरती राव का नाम है। वहीं कांग्रेस ने पहलवान विनेश फोगाट को जुलाना से मैदान में उतारा है। इसके अलावा पहलवान योगेश्वर दत्त, बबीता फोगाट, बॉक्सर विजेंद्र और महिला बॉक्सर स्वीटी बुरा ने भी दावेदारी ठोकी थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। हरियाणा चुनाव के आंकड़े खिलाड़ियों के मामले में काफी दिलचस्प है। हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए राजनीतिक दंगल आसान नहीं रहा। ग्राउंड से विधानसभा तक पहुंचने का सपना तो कई खिलाड़ियों ने देखा, लेकिन सफल केवल हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह हो पाए। हालांकि वे भी मंत्री रहते जूनियर महिला कोच के यौन शोषण केस में फंसकर पहले मंत्री पद और अब सीट भी गवा बैठे। हरियाणा में चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट में विनेश का नाम ज्यादा चर्चाओं में है। पहलवानों के परिवार से देश दुनिया में प्रसिद्धि पाने वाली हरियाणा की धाकड़ पहलवान विनेश फोगाट ने अब कांग्रेस ज्वाइन किया है। इतना ही नहीं, इसके 7 घंटे के भीतर पार्टी ने उन्हें टिकट देकर जुलाना विधानसभा सीट से मैदान में उतारा। जुलाना विनेश का ससुराल है, यही विनेश की सबसे बड़ी मजबूती भी है। दूसरा, वो प्रदेश का बड़ा जाट चेहरा बन चुकी हैं, जिन्हें खाप पंचायतों और किसान मजदूर वर्ग ने यौन शोषण के खिलाफ आंदोलन से लेकर पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद सम्मानित किया। अब नजर डालते हैं दीपक हुड्डा पर। भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक निवास हुड्डा को बीजेपी ने महम विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। अपने करियर का पहला चुनाव लड़ रहे दीपक हुड्डा का महम के लोगों ने विरोध किया। महम विधानसभा से एक साथ कई बीजेपी नेताओं ने इसके खिलाफ अपना सामूहिक इस्तीफा दिया। नेताओं ने कहा कि दीपक हुड्डा को टिकट देना गलत है, अगर कोई महम का उम्मीदवार होता तो अच्छा होता, लेकिन बाहरी उम्मीदवार को टिकट देना सही नहीं, जिसके कारण यह फैसला लिया गया। 10 अप्रैल 1994 को हरियाणा के रोहतक में जन्मे दीपक ने छोटी उम्र में कबड्डी खेलना शुरू किया। उन्हें प्यार से डुबकी किंग कहा जाता है। दीपक भारत की राष्ट्रीय कबड्डी टीम की कप्तानी कर चुके हैं। वो 2016 में दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। उन्होंने प्रो कबड्डी लीग के सभी सीजन में हिस्सा लिया। हरियाणा की एक और वीआईपी सीट महेंद्रगढ़ में अटेली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को टिकट दिया। हालांकि उन्हें टिकट दिए जाने का क्षेत्र में विरोध भी हुआ। उन्हें बाहरी होने का टैग देकर स्थानीय नेता को ही टिकट दिए जाने की मांग उठी। आरती ने साल 2005 में एशियन शूटिंग प्रतियोगिता में गोल्ड जीता, जबकि साल 2010 में उन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों में रजत पदक हासिल किया। आईएएसएफ की कई अहम प्रतियोगिताओं में आरती जलवा दिखा चुकी हैं। आरती को साल 2003-2004 में दिल्ली सरकार की तरफ से राजीव गांधी राज्य खेल पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया जा चुका है। स्कीट प्रतियोगिता में 15 बार राष्ट्रीय खिताब जीतने का रिकॉर्ड आरती राव के नाम पर ही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।